ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कुछ ऐसा है, कोई विचित्र प्रकार का सौर विकिरण हो रहा है, हिंसा पूरे वातावरण में समा रही। मनुष्य ने एक आस्था जमा ली कि समस्याओं का समाधान एकमात्र हिंसा है, निर्विकल्प रूप में इस आस्था को स्थान दे दिया। इसलिए कोई भी समस्या आई और उस समस्या को समाहित करना है तो वह हिंसा का सहारा ले रहा है। पूरे विश्व की बात करूं या हिंदुस्तान के परिपार्श्व में देखूं तो पूर्वांचल को देखें, उत्तरांचल को देखें, पश्चिमांचल में भी और मध्य में भी, दक्षिणांचल में भी, चारों अंचलों में और मध्य में हिंसा काफी प्रकट हो रही। कोई भी व्यक्ति आश्वस्त नहीं, रेल में जाता है तो भी हिंसा की आशंका, वायुयान में जाता है तो भी हिंसा की आशंका, और बस में आता है तो भी हिंसा की आशंका। कहीं पथराव, कहीं बम विस्फोट, कहीं गोलियां, कहीं राइफल की आवाज, कहीं सुरंगें बिछी हुई हैं, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि इतनी गहरी आस्था समाज की हिंसा के प्रति हो गई, उसे बहुत अच्छा समाधान एकमात्र हिंसा दिख रहा है। इस स्थिति में कुछ लोग हैं जो दूसरी आस्था लिए हुए हैं और दूसरे कोण से सोचते। उनकी आस्था यह है कि अगर इस प्रकार हिंसा बढ़ी तो पूरा समाज गतरस, त्रस्त, संत्रस्त और विध्वस्त हो जाएगा, रस सारा सूख जाएगा, आदमी इतना भयभीत और आशंकित रहने लगेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। यह स्थिति अच्छी नहीं समाज के लिए, इसलिए इस आस्था को बदला जाए कि जो ये न जनेद अन्यम व्याधि, जो दूसरी व्याधि को पैदा न करे, उसका नाम है औषध। औषध ले और इतना रिएक्शन हो कि एक गोली ली और मर बसा, चल गया, वह क्या दवा होगी। बहुत सारा ऐसा होता है, इतना रिएक्शन कि दवा ली और रिएक्शन ऐसा हुआ कि फिर वह दवा लेने की स्थिति में ही नहीं रहा। इस प्रकार जो रिएक्शन होता है, हाँ कल ही एक साध्वी ने बताया था कि दवा का रिएक्शन हो गया, अब कोई दवा नहीं ले सकती, इंजेक्शन भले ही दे दो दवा ले ही नहीं सकती पेट में, दवा ली और तत्काल निकल जाए। तो वह व्याधि को मिटाने वाली दवा दवा नहीं जो नई व्याधि पैदा कर दे। हिंसा ऐसी दवा है, एक बार तो ऐसा लगता है कि बीमारी मिट रही है,
किंतु रिएक्शन उसका इतना होता है, प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि भयंकर नई बीमारियां पैदा हो जाती है। हम ऐसी दवा की खोज में चले जो नई बीमारी पैदा न करें, वह अहिंसा है और अंततः उसी की शरण में सबको जाना पड़ता है। कितना ही संघर्ष, कितनी ही लड़ाई, कितना बैर विरोध, आखिर समझौते में समाधान हुआ है, अहिंसा की दिशा में जाने से समाधान मिला है। तो एक हमारी दूसरी आस्था है अहिंसा की आस्था, अणुव्रत आंदोलन अहिंसा की आस्था को जगाने का आंदोलन। अहिंसा की आस्था जाग समाज व्यक्ति में और समाज में। सबसे पहले हमें व्यक्ति को पकड़ना है। अणुव्रत आंदोलन अहिंसा की आस्था को जगाने का आंदोलन। अहिंसा की आस्था जाग समाज व्यक्ति में और समाज में। सबसे पहले हमें व्यक्ति को पकड़ना है। समाज की बात बहुत लोग करते हैं, समाजवादी, साम्यवादी, सब समाज की बात करते हैं। एक नए है, एक दृष्टिकोण है वह भी, किंतु अणुव्रत का दृष्टिकोण है व्यक्ति। नैतिकता का दृष्टिकोण हमेशा व्यक्ति रहा है, कि व्यक्ति व्यक्ति बनो। हेगेल ने कहा था वी पर्सन, व्यक्ति बनो। व्यक्ति बनना है, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का नहीं, व्यक्ति का निर्माण। अणुव्रत का एक महत्वपूर्ण घोषणा सूत्र है व्यक्ति का निर्माण। इस आधार पर चलना है कि व्यक्ति का निर्माण करो। व्यक्ति के निर्माण का मतलब, व्यक्ति में दो तत्व होते हैं, एक वासना और एक बुद्धि। वासना होती है और बुद्धि भी होती है। पशु में वासना होती है, बुद्धि नहीं होती। मनुष्य में वासना भी होती है और बुद्धि भी होती है। यही तो अंतर पड़ता है कि पशु अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर सकता और मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण कर सकता है। तो व्यक्ति निर्माण का मतलब कि बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण। बस जिस व्यक्ति ने इतना सीख लिया कि बुद्धि का प्रयोग अपनी वासनाओं के नियंत्रण पर लगे चले, तो वह व्यक्ति का निर्माण शुरू हो गया। हम स्वीकार करेंगे कि वासना हर व्यक्ति में होती है। यदि वासना क्षीण हो तो फिर निर्माण की बात नहीं, और उसके लिए अहिंसा हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं। वह तो ऊपर चला गया, वह तो अतीत हो गया। हम एक सामान्य आदमी की बात कर रहे हैं, और प्रत्येक आदमी, समाज का प्रत्येक घटक, समाज में जीने वाला हर आदमी वासना के साथ जीता है। उसमें अपनी वासना है, संस्कार है, कुछ धारणाएं हैं। तो बुद्धि के द्वारा उन पर नियंत्रण करना, और इतना नियंत्रण करना कि जिससे वह दूसरे के हित का विखंडन कर अपने हित की साधना में न लगे, दूसरे के हितों को चोट पहुंचा कर अपने हित को साधने की बात उसमें न आए। इतना हो जाए तो वासना पर बुद्धि का नियंत्रण हो गया, और उसका जीवन नैतिकता का, आचार का, चरित्र का जीवन बन गया, और उसका उस व्यक्ति का निर्माण हो गया। हमें उस आस्था को जगाना है कि जिससे व्यक्ति अपनी वासना पर नियंत्रण करने की बात में आगे बढ़े। इसमें कठिनाई है, और सबसे बड़ी कठिनाई है सुखवाद। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इसलिए वह अपनी वासना पर नियंत्रण करना नहीं चाहता। वह चाहता है अधिकतम सुख में बटोरूं, अधिक संपदा बटोरूं, अधिक सुखी बनूं और सबसे ज्यादा सुखी बनूं। और यह सुख की भावना, लालसा हर आदमी में है,
हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है और इसीलिए अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं होने पाता। तो तीन बातें हो गई, एक और सुख, वासना और बुद्धि। अब वासना पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करने में यह सुख बाधा बनता है और यहां शक्ति आदमी की कुंठित हो जाती है। हर आदमी की अपनी शक्ति की सीमा है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, शक्तिशाली हो, सीमा होती है। ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स पंचम का एक सेवक और बहुत प्रिय सेवक बीमार पड़ गया। सम्राट को बड़ा प्रिय था, उसने इतनी सेवा की थी जीवन भर, बहुत अच्छी सेवा की, तो सम्राट उसे बहुत चाहता था। जब बीमार पड़ गया तो सम्राट उसे देखने गया, पूछा भी कैसे हो, स्वास्थ्य का संवाद पूछा। उसने कहा कि ठीक हूं, कोई बात नहीं। सम्राट ने कहा, बोलो क्या चाहते, मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो, क्या चाहते हो, जो तुम चाहो वह देने को मैं तैयार। सेवक बोला, और कुछ नहीं चाहता सम्राट, केवल एक दिन का जीवन चाहते, मेरा एक दिन का जीवन आप बढ़ा दें, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता। सम्राट देखता रह गया हतप्रभ, अवाक, बोल नहीं सका कुछ देर, फिर रुककर बोला कि तुम और कुछ चाहो मैं देने को तैयार हूं, किंतु यह मेरी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारे जीवन को एक दिन और बढ़ा। तब सेवक बोला, सम्राट मैंने बड़ी मूर्खता की कि मैं उस व्यक्ति की सेवा में लगा और उस व्यक्ति की सेवा में मैंने जीवन खपा दिया जो मेरे जीवन का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकता। इससे तो अच्छा होता कि मैं और किसी की शरण में जाता जो मेरे जीवन को एक सुरक्षित रख देता। दो पहलू हैं शक्ति की सीमा। हर व्यक्ति की शक्ति की सीमा है और कोई भी असीम शक्ति वाला नहीं। दूसरा पहलू है इसका कि व्यक्ति सुख की लालसा में सदा अनित्य और अशाश्वत की दौड़ में लगा रहा है। उसने दूसरे पहलू को कभी झांका ही नहीं कि दुनिया में एक शाश्वत सत्य भी होता है, देश कालातीत सत्य भी होता है, और उसकी शरण में जाने पर ही आदमी स्थायी सुख को पा सकता है या अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर सकता है और नैतिकता की जो आंतरिक वृत्ति है उसे बाहर में ला सकता है। नैतिकता को प्रकट करने का साधन है एक स्थायी आस्था, आंतरिक आस्था का निर्माण। जब तक शाश्वत के साथ, नित्य के साथ हमारी आस्था नहीं जुड़ती है, तब तक नैतिकता की बात बहुत धुंधली रह जाती है। तो हमें अणुव्रत का चिंतन करते समय नई आस्था को जगाने की बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हम मनुष्य की एक नई आस्था को जगा सके, जो आस्था हिंसा के साथ जुड़ी हुई है, जो आस्था परिग्रह के साथ जुड़ी हुई है, जो आस्था सुख सुविधा के साथ जुड़ी हुई है, उस आस्था को बदलकर अहिंसा के साथ, इच्छा परिमाण के साथ और आनंदमय जीवन जीने के साथ जोड़नी। सुख में और आनंद में थोड़ा अंतर आ जाएगा। सुख
बाहरी पदार्थों पर बहुत निर्भर करता है और आदमी मानता है कि बस बाहर का मिला सुख हो गया, किंतु आनंद हमारी ऐसी सहज वृत्ति है जो भीतर से प्रस्फुटित होता है और वह बात समझ में आ जाए तो सुख की बात अपने आप कमजोर बन जाती है। आज कमजोर नहीं है क्योंकि वह बात समझ में नहीं आ रही। हर व्यक्ति सुख के पीछे दौड़ रहा है, आनंद की बात समझ से परे की बात बनी हुई है। तो जब एक नई दृष्टि समाज को देनी है तो नए प्रकल्प और नए सिद्धांत सामने प्रस्तुत करने होंगे। अरविंद चले गए, मां भी गई, आज दोनों जीवित नहीं है, किंतु अरविंद के चैत्य पुरुष पर आज भी सैकड़ों सैकड़ों विदेशी लोग काम कर रहे हैं। इस आधार पर कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया कि अति मानव का निर्माण किया जा सकता है, सुपर ह्यूमन का निर्माण किया जा सकता है, अति मानव का निर्माण किया जा सकता है और ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है हमारे इस भूमंडल पर जिससे कि एक दिन चैत्य पुरुष जागेगा और अति मानव का निर्माण होगा। ये कल्पना ही अपने आप में इतनी बढ़िया है, इतनी मोहक है, हर व्यक्ति चाहता है कि सुपर ह्यूमन का हम निर्माण करें और अति मानव की चेतना संसार में जाग जाए जिससे कि यह क्षुद्र चेतना समाप्त हो जाए। तो अणुव्रत आंदोलन को भी एक ऐसा महत्वपूर्ण आस्था का आधार देना है जिससे कि सारे बुद्धिवादी और चिंतक वर्ग का ध्यान आकृष्ट हो और वह हो सकता है कि वासना का रूपांतरण किया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, वासना का रूपांतरण किया जा सकता है। क्षयीकरण की बात तो हम कह नहीं सकते, वह तो कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकती है, एक सामाजिक प्राणी के लिए नहीं कह सकते। कोई विशेष साधना में लगे, वीतराग की साधना में, तो कहा जा सकता है वासना का निर्मूलन किया जा सकता है, किंतु आम सामाजिक आदमी के लिए यही सूत्र बनेगा कि वासना का रूपांतरण किया जा सकता है। बहुत बड़ा सूत्र है, अगर समाज में वासना का रूपांतरण हो जाए तो समाज का सारा ढांचा बदल जाए, आकार बदल जाए, आकृति और प्रकृति दोनों बदल सकते हैं। सबसे बड़ी आज आवश्यकता है वासना के रूपांतरण, इसे चाहे व्यक्तित्व का रूपांतरण कह दे, व्यक्ति निर्माण। और वासना का रूपांतरण होगा तो फिर व्यक्ति और समाज में समन्वय सधेगा। आज व्यक्ति और समाज अलग थलग पड़े हुए हैं, यद्यपि व्यक्ति में दोनों अंश होते हैं, वैयक्तिकता भी होती है और सामाजिकता भी होती है, किंतु आज सामाजिकता तो बराए नाम, सामुदायिकता कहाँ है? जहाँ सुख की स्वार्थ की प्रबल लिप्सा होगी वहाँ सामाजिकता और सामुदायिकता का विकास कभी संभव नहीं बनता। आपने देखा, इन दिनों देखा, इस वर्ष में देखा कि कितने बड़े बड़े समाज के नाम पर, समाजवाद या साम्यवाद के नाम पर अपने आप को उद्घोषित और उद्भाषित करने वाले व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन कितना सुख सुविधामय और कितना भोगमय बिता रहे थे, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। पहले चर्चा एक दिन की थी, कल्पना नहीं की जा सकती। इसका कारण कि वैयक्तिकता को जगाने का प्रयत्न ही नहीं हुआ, और यह इतनी बड़ी सच्चाई है कि जब तक वैयक्तिकता का ठीक निर्माण नहीं होगा समाज का सही निर्माण हो नहीं सकता। इन घटनाओं ने, इस वर्ष में घटी घटनाओं ने इस सच्चाई को और अधिक स्पष्ट कर दिया कि जो लोग अग्रणी बने, समाज के, समाजवाद या साम्यवाद के मुखिया बने
और उस गद्दी पर बैठे कि जो संचालन कर रहे हैं, साम्यवादी पार्टी के मुखिया है, साम्यवादी परिषद के कम्यून के सूत्रधार हैं, उन व्यक्तियों का जो जीवन देखा तो आश्चर्य हो गया। और आज भी एक बड़े विशाल देश में जो विरोध हो रहा है साम्यवाद का, इस आधार पर कि जो लोग सत्ता पर बैठे हैं वे तो आराम भोग रहे हैं, उनके लड़के बच्चे उनके परिवार के लोग तो आराम भोग रहे हैं और सामान्य जनता त्रासदी को भोग रही। उन पर साम्यवाद, उनके लिए साम्यवाद, और जो मुखिया है वे साम्यवाद से अतीत। कारण क्या? कल्पातीत। हाँ, वे कल्पातीत, कोई कल्प की जरूरत नहीं, मर्यादा की जरूरत नहीं। कारण क्या बना? वैयक्तिकता का निर्माण नहीं किया गया, व्यक्ति का निर्माण नहीं किया गया। अगर व्यक्ति का निर्माण होता तो यह स्थिति कभी नहीं बनती, कभी संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। पर व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, जहां फिर साधन सत्ता सामग्री हाथ में आती है, कौन अविचल रहेगा कहा नहीं जा सकता। इतिहास बतलाता है कि शायद रहा नहीं, अपवाद कोई रहा हो तो पता नहीं, सामान्य वर्गणा में कोई रहा नहीं। तो इस स्थिति में आज एक सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है समाज का ध्यान, कि व्यक्ति का निर्माण पहले होना चाहिए, और जो समाज का मुखिया बने वह व्यक्ति बने जिस का अपनी वासना पर नियंत्रण है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी वासना के नियंत्रण में करता है, वह व्यक्ति समाज का मुखिया बने, उसके हाथ में सत्ता केंद्रित हो तो कोई खतरा नहीं होगा। अनुव्रत का ये एक आधार सूत्र फिर दोहरा दूं, वासना पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करने की बात को सिखाना, बस पूरा आंदोलन केंद्रित। आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज व्यक्ति का निर्माण करें, और व्यक्ति का निर्माण इस अर्थ में करें कि हर व्यक्ति वासना का दास न बने, बुद्धि को वासना के पीछे न चलाए, किंतु बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण करें। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे